हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। सो आज मैं आपको गति और बल इन दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। विरामावस्था में आने में समय लगेगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन, पहले तो आप ध्यान दीजिए कि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो उसे करने से पहले आप उसे पूरा पढ़िए, फिर देखिए उसमें क्या क्या गिवन है, फिर उसे आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको क्या क्या दे रखा है। वेग u दे रखा है आपको 11 मीटर पर सेकंड। उसके बाद दूरी दी है s 121 मीटर। अब कह रहे हैं विरामावस्था में आने के लिए समय लगेगा। तो विरामावस्था में जब कोई गतिमान वस्तु विरामावस्था में आती है तो उसके लिए अंतिम वेग ज़ीरो हो जाता है। उसके लिए आपसे टाइम पूछा है कि कितना होगा। तो आप देखिए, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीसरा समीकरण है। वी स्क्वायर आपको ज़ीरो दिया है, यू स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 प्लस 2as। 2as की जगह क्या है 121। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आगे इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। वन ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू 2a इंटू 121, ये माइनस का हो जाएगा। 121 से 121 कट जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू माइनस वन। सो a जो कि त्वरण है वो निकल के आएगा माइनस का 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिजिक्स में आपको किसी भी राशि का यूनिट याद होना चाहिए क्योंकि यूनिट पे भी मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए, आपको इसमें a फाइन निकाल लिया आपने, आप t कैसे निकालेंगे। आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस ए टी। v इससे अगर हम t की निकालें वैल्यू तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, v ज़ीरो है, u कितना है 11, a कितना है 1/2 माइनस का। अब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 11 इंटू माइनस का 2, कितना आंसर आएगा हमारा 22 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। एक मीनार है 200 मीटर ऊंची, इसकी चोटी से एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं हम 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। उसके बाद पृथ्वी, जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे भी आएगी, तो नीचे आते समय इसकी चाल क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है, जब हम इसे ऊपर फेंक रहे हैं तब तो चाल ये है u जो कि प्रारंभिक है दूरी, फिर जब वो नीचे गिरेगा तो नीचे के लिए चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। आपको u दे रखा है, ये दिया है आपको h और ये v दिया हुआ है। तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये फॉर्मूला होता है तब जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, जब गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन आ जाती है कोई वस्तु, तब ये फॉर्मूला यूज़ होते हैं। इसमें गति के समीकरण में सिर्फ a की जगह g और s की जगह h रखने से ये इक्वेशंस बन जाते हैं। अब देखिए, आपको v स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर आपको कितना दे रखा है माइनस का 20, इसका स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू 10 होती है एंड h क्या है 200। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 400 बराबर 2 गुणे, ये हो जाएगा 4000। तो 4000 प्लस 400 कितना आएगा,
400 + 4000 इज़ इक्वल्स टू 4400, जो कि करीब 65, जैसे ये वी स्क्वायर दे रखा है आपको, तो अगर आप वी निकालेंगे तो ये लगभग 65 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, पर इसका आंसर जो है वो 65 मीटर पर सेकंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को ज़मीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। गेंद के पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? इस क्वेश्चन को भी समझिए। गेंद को भवन की छत से गिराते हैं, ये कोई भवन है, इस पर गेंद रखी है, इसे गिराने में जब हम इसे गिराते हैं तो ये टी बराबर 3 सेकंड में पृथ्वी पहुंच जाती है। अब आपको पता है ये जो त्वरण है, जी का मान तो 10 ही होता है, और आपसे पूछा है इसकी हाइट क्या है, एच आपसे पूछा है। तो अब आप फॉर्मूला एक जानते होंगे कि एच बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर, सॉरी ए की जगह जी हो जाता है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो उसके लिए यू जो है वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसमें हमें खाली यू तो ज़ीरो है तो ये पूरा हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा, तो हाफ़ जी टी स्क्वायर निकालना है। तो हाफ़ जी की वैल्यू 10, टी क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, इसे काटा 2 × 5 = 10, 5 × 45, इसका आंसर आएगा 45 मीटर। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना यहाँ 45 दिया हुआ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 किलोग्राम की एक तोप से 1.5 केजी का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलता है, तोप के पीछे हटने का वेग होगा। देखिए आपको जो तोप है उसका द्रव्यमान दे रखा है m, 150 केजी, और आपसे पूछा है तोप के पीछे हटने का वेग, यानी तोप का वेग, इसे आप m1 कह दीजिए, इसे v1 आपको निकालना है, और आपको m2 यानी गोला जो निकलेगा उसका वेग दे दिया है, उसका द्रव्यमान दे दिया है केजी में 1.5 केजी, और उसका वेग आपको दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जब आप तोप से गोले को दागते हैं तो इसमें संवेग के अनुदेशीय कार्य होता है। अब ये से समझिए कैसे होगा। जब भी कोई बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली आगे जाती है परंतु बंदूक पीछे की ओर जाती है, तो हमसे यही पूछा है जो तोप है वो पीछे हटेगी उसका वेग क्या होगा, तो जितना बंदूक की गोली आगे जाती है उतना ही वेग पीछे की तरफ लगता है, तो मतलब दोनों में संवेग समान हो जाता है। संवेग समान होने के कारण दोनों का संवेग समान होगा, P1 बराबर हो जाएगा P2 के, तो इसके लिए क्या होगा M1 V1, आप जानते हैं P बराबर MV होता है और ये M2 V2, मतलब जो गोली में संवेग उत्पन्न होगा वही बंदूक में होगा, दोनों के समान होगा, और हमें निकालना है V1, तो हम M2 V2 अपॉन M1। अब देखिए M2 क्या दिया है हमें, M2 दिया हुआ है, अभी हमने ऊपर निकाला 1.5, V2 हमें दे रखा है 60 और M1 दिया है 150। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा तब आपका आएगा ये 0.6 मीटर पर सेकंड, बट आप देखेंगे जिस दिशा में बंदूक जाती की गोली जाती है और बंदूक उससे विपरीत दिशा में जाती है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगना चाहिए, पर आपको ऑप्शन में माइनस का चिन्ह नहीं दिया है तो आप ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, क्योंकि 0.6 ही वैल्यू है इसकी। देखिए क्वेश्चन है, वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एफ़ बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी माने P2 - P1। अब जब किसी को रोकेंगे तो उसका जो अंतिम संवेग होगा वो 0 होगा, तो 0 माइनस असली पी संवेग जो क्या है वो 10 है, और टाइम आपको दिया है 2 सेकंड का, तो आप इसे कट करेंगे 5, माइनस का 5 न्यूटन आंसर।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं H1, H2 ऊंचाइयों के साथ एक साथ छोड़ी जाती हैं, सिद्ध कीजिए कि उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात H1/H2 अंडर रूट में होगा। देखिए जब दोनों वस्तु एक साथ छोड़ी जाती हैं, दोनों वस्तु ऊपर से नीचे एक साथ छोड़ी जा रही हैं, तो उनके लिए यू तो ज़ीरो होगा। और आप एक फॉर्मूला जानते हैं, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी से हम निकालेंगे, जब हमारा यू ज़ीरो है तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ वो हमारा फॉर्मूला इतना ही रहेगा। देखिए H1 बराबर हो जाएगा हाफ G T12 और H2 बराबर हो जाएगा हाफ G T2 का स्क्वायर। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, H1/H2 करेंगे जब हम, तब ये हाफ जी तो दोनों में कट कैंसिल हो जाएगा और T1/T2 बचेगा। आप देखेंगे कि जब ये हमें T1 और T2 निकालने हैं तो ये अब जी स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो बस यहाँ से आपको ये स्क्वायर जब हट जाएगा यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि इसमें जो समय का अनुपात है जो T1/T2 है वो H1/H2 के अंडर रूट के इक्वल होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया। सो ये आज के क्वेश्चन थे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।